महाराष्ट्र के अमरावती नगरी में दिनांक 26 अप्रैल सन 1966 में घटित लक्ष्मी कॉटन मिल की बड़ी दुर्घटना की दास्तान बहुत कम शब्दों में आपको सुनाते हैं। हमें खेद है दर्शकों को बताने हमारे पास या और कहीं कोई फोटोग्राफ या वीडियो फिल्म उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्रत्यदर्शी श्री दयाराम अमलानी जो कि अमरावती वासी है, यह घटना के समय वहां उपस्थित थे। उन्हें तारीख और वार भली भांति याद है। आज से करीब 56 वर्षों पूर्व 26 अप्रैल सन 1966 में अमरावती के कॉलेज रोड पर स्थित लक्ष्मी कॉटन मिल के तेल की बड़ी टंकियों में विस्फोट हुआ था, जिसे शरद चंद्र कन्हैया लाल पंड्या के प्रयत्नों से दूसरा स्फोट नाकामयाब कर दिया गया था। इसके चलते अमरावती नगरी मसानवती बनने से बच गई थी। इसी की अल्प सी दास्तान आपको सुनाते हैं। अच्छा भाई, ऐसा है 26 अप्रैल 1966 को लक्ष्मी आयल मिल में बहुत भीषण आग लगी थी, 3 बार विस्फोट हुआ था और तो विस्फोट से जो आग लगी उसमें 50 लोग मर गए थे। अब 50 लोग मरने के अलावा एक उसमें उल्लेखनीय घटना ऐसी है कि उस भीषण विस्फोट से जो आग आगे बढ़ रही थी उससे आधी अमरावती करीब करीब भस्म होने वाली थी आग में। उस समय उस एक वॉल था एक टैंक में, तेल के टैंक में, उसके खोलना जरूरी था, मगर कोई खोलने वाला नहीं था, खोलने को हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि उस आग में खोलने का मतलब था अपने आप को जला लेना, आत्महत्या कर देना। तो एक युवक, जामा युवक जिसे कहना चाहिए, शरद चंद्र कन्हैया लाल पंड्या, उस वो युवक घुसकर आग में बीच में घुसकर वो वाल खोला और आधी अमरावती को तबाह होने से भस्म होने से बचा लिया। परंतु सबसे दुखद बात इसमें यह है कि 50 लोग मरे हैं तो ठीक है, लेकिन शरद चंद्र पंड्या का नाम लेने वाला आज कोई भी नहीं है। अमरावती वासियों ने बोल के बुला दिया है, 56 साल हुए कहीं ना कोई बोर्ड है, न कहीं कोई नाम है, न किसी रस्ते को, न किसी चौक चौराहे को नाम दिया गया है, न उसे कोई जानने वाला पहचानने वाला या कोई उसे नाम लेने वाला कोई नहीं है। बड़ी दुखद बात है। मैं नमन करता हूँ, 56 साल हुए हैं।